हाँ भाई बच्चों, सेल्फ इंडक्शन क्या है कि मान लीजिए ये कोई कॉइल है या सोलेनोइड है, ये कॉइल है या फिर सोलेनोइड है, और इसमें कोई करंट फ्लो कर दिया आपने आई, तो करंट फ्लो करने पर क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मुझे ये बताओ। क्या मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है, एक सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है वो बी आता है, तो वो बी होता है म्यू नॉट एन आई, अगर आपको याद हो तो। सोलेनोइड में करवाया था आपको एम्पियर सर्किटल लॉ के टाइम पर, और इससे क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो करंट फ्लो करने पर यहां पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स, तो भाई यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बच्चों। ओके, तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, बहुत बढ़िया। अब अगर करंट को चेंज किया, इफ आई इज चेंज्ड, अगर करंट को आपने चेंज किया तो बताओ क्या आई को चेंज करने पर क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी? बताओ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या नहीं होगी? अगर इससे करंट जो जा रहा है उसको आपने चेंज कर दिया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर चेंज होगी? व्हाट डू यू थिंक, बताओ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी क्या? आप समझे भाई, करंट फ्लो किया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला ये होगा अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स से कभी करंट इंड्यूस नहीं होता, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से करंट इंड्यूस होता है। तो हमने क्या किया कि भाई ये वाला करंट चेंज किया, तो ये करंट कैसे क्या किया, चेंज किया, तो अगर करंट को चेंज करेंगे तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा तो इसके अंदर इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आपने किया किया कि भाई इसमें करंट यहां पर फ्लो किया आपने, और वो करंट कैसा है, वेरिएबल, उसकी वजह से इसने खुद ही ने वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट किया, इस कॉइल में करंट फ्लो किया वेरिएबल, और उसकी वजह से क्या हुआ, इस कॉइल ने खुद अपने अंदर वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट किया, समझे क्या? और तो यहां पर भले खुद किया हो या कहीं और की वजह से इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, खुद की वजह से या दूसरों की वजह से, कैसे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल हो जाएगा इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, कि इस कॉइल में करंट, इस कॉइल से, हाँ, इस कॉइल से अगर आपने करंट चेंज किया और इसी कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया खुद के चेंज इन करंट की वजह से, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इसको, इस फेनोमेना को आप क्या बोलोगे, सेल्फ इंडक्शन। तो क्या डेफिनेशन होना चाहिए सेल्फ इंडक्शन का बच्चों? क्या कैसे मैं लिख सकता हूं, मैं द फेनोमेना मैं थोड़ा चेंज कर दिया, वो बात वही है, फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल और सोलेनोइड, इन अ कॉइल और, अच्छा लिखो, और क्लोज सर्किट और सोलेनोइड, ठीक है, ऑन चेंजिंग करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेम कॉइल,
linked with the same coil. समझ रहे हो बच्चों? तो इसी कॉइल से करंट या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया और इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया खुद की वजह से ही, और ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसका नेचर अपोजिंग होता है, वो उस चीज को अपोज करता है जिसकी वजह से खुद प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन बच्चों। कि आपने अपने रूम में उपले जला लिए, धुआं ही धुआं कर दिया, लकड़ी जला ली धुआं ही धुआं कर दिया, उसकी वजह आपने जलाया और धुआं आपने खुद किया है और उसका इफेक्ट आपके ऊपर ही हो रहा है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा है, तो सेल्फ इंडक्शन। और उस धुएं का इफेक्ट अगर मान लो पड़ोसी पे होता है, भाई कोई खिड़की है जिससे पड़ोसी के घर में धुआं जा रहा है उस पर इफेक्ट हो रहा है, तो वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन जो पड़ेंगे फिलहाल ये। तो आपने खुद ही धुआं कर लिया अपने रूम में, खुद ही क्रिएट कर लिया, उसकी वजह से आप पे ही इफेक्ट हो रहा है कुछ, तो दैट इज द सेल्फ इंडक्शन, दैट इज द सेल्फ इंडक्शन। ओके बच्चों, क्या इतना समझ में आया आप? क्या सेल्फ इंडक्शन अब क्लियर है? इस कॉइल में करंट फ्लो किया, वेरिएबल करंट, करंट चेंज हो रहा है, इससे क्या होगा? इससे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें खुद में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो ये कॉइल में होता है, बिल्कुल होता है, सोलेनॉइड में होगा, बिल्कुल होगा, बल्कि किसी भी क्लोज सर्किट में होगा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, तो ये ऐसा हो गया, किसी भी क्लोज सर्किट में ऐसा होगा, किसी भी क्लोज सर्किट में ऐसा होगा। तो प्यारे बच्चों, अब ये तो आपने कर लिया, अब आपको थोड़ा और आगे बताते हैं। स्टेटमेंट आपने लिख लिया होगा, नहीं तो स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। अब कहता है कि भाई कितना ज्यादा, अब आप देखो कितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा किसी कॉइल से, किसी भी कॉइल से। आप देखो यहां पर जितना ज्यादा करंट होगा, अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल से उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा इससे करंट फ्लो होगा। क्या आप लोग सहमत हैं? जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्या यह बात क्लियर है भाई? ज्यादा करंट इसका मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसमें, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं बच्चों, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल या थ्रू द कॉइल, लिंक्ड विद द कॉइल, ठीक है, यानी कि फाई, यानी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटा दूंगा तो एक कॉन्स्टेंट लगा दूंगा यहां पर फाई, तो ये एल से दिखा देंगे वो, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे एल से दिखाएंगे, कैपिटल एल से। और मैंने बताया वेयर कैपिटल एल इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या बताया था आपको, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल और सर्किट, क्लोज सर्किट और सोलेनॉइड कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये ऐसा होता है। क्या यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे को यहां तक तो तकलीफ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ पढ़ना है ढंग से। ये बात क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर मालूम है? बोलो बोलो क्या बात हुई है? सही है। अब यहां पर यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां से एल देखोगे बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस, तो फाई अपॉन में आई आएगा। तो चलिए भाई यूनिट की बात कर लेते हैं लगे हाथ, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहां पर फाई की यूनिट होती है वेबर, डब्ल्यू ई बी ई आर,
इसको डब्ल्यू कैप, हाँ ठीक है बिल्कुल सही बात है, डब्ल्यू बी से दिखाते हैं, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। जानबूझ के ए और डब्ल्यू स्मॉल लिखा है, कहीं आप सोचें कि गलती से लिख दिया है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर एम्पियर को कैपिटल ए से भी दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं हेनरी, और हेनरी को कैपिटल एच से दिखाते हैं। ये पहला लेटर आप देख ध्यान से देखो स्मॉल होगा अगर पूरा नाम लिखा गया है तो। ये सारे जो होते हैं ये साइंटिस्ट के नाम पे आधारित यूनिट्स हैं बच्चों। ओके बच्चों क्लियर है, बिल्कुल कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर कहानी को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग कि अगर आपको वन हेनरी को डिफाइन करना है कि भाई किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस वन हेनरी है या नहीं है, चलो डिफाइन करते हैं वन हेनरी कब होगा। इसको मैं, चलिए ये नोट कर लिया आप, स्नैपशॉट ले लो। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ वन हेनरी यहीं पर कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ वन हेनरी, वन हेनरी मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो किसी कॉइल से आपने करंट फ्लो किया वन एम्पियर, अगर करंट वन एम्पियर फ्लो किया और उससे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वन वेबर जनरेट हो गया इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वन वेबर जनरेट हो गया, तो हम बोलेंगे इसका सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा तो वो कितना हो जाएगा, फाई अपॉन में आई, तो वन वेबर डिवाइडेड बाय वन एम्पियर, तो इसी को बोलेंगे वन हेनरी, इसी को बोलेंगे वन हेनरी कैपिटल एच से दिखाते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा इस कॉइल का वो वन हेनरी कब बोलेंगे, अगर वन एम्पियर करंट फ्लो करते हो उससे और एग्जैक्टली वन वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो हम बोलेंगे उसका सेल्फ इंडक्टेंस वन हेनरी है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, वन एम्पियर करंट फ्लो करो और देखो कि वन वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं है वन हेनरी, हो गया तो वन हेनरी है। तो भाई यहां पर इसको देखते हुए अब हम लिखेंगे बच्चों, स्टेटमेंट लिखेंगे, अब इसको मिटा रहा हूं। सो डेफिनेशन लिखते हैं, सो द सेल्फ इंडक्टेंस, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल और सोलेनोइड या क्लोज सर्किट इज सेट टू बी वन हेनरी इफ वन वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेज इन इट ऑन फ्लोइंग वन एम्पियर करंट थ्रू इट। क्या यह समझ में आ गया बच्चों, मुझे बताओ कि अगर वन एम्पियर करंट फ्लो करते हो और उससे क्या होता है, वन वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, वो वन हेनरी है। अब बताओ कोई दिक्कत, क्लियर है सारा, बिल्कुल ठीक है बच्चों। चले अब आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बताते हैं कि भाई इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा अगर आपको निकालना है तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे। देखो जी, फाई की वैल्यू क्या होती है, बी ए कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। तो भाई इसका अब मैं चाहता हूं डायमेंशंस निकालने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की तरफ ले आ रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाला है, अगर सीधे अगर आपको आ जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब कि आप बहुत टाइम लगा सकते हैं, दिक्कत हो सकती है, इसलिए सीख लो बढ़िया रहेगा। तो इसकी जगह पे फाई की जगह पे बी ए कॉस थीटा लिख दिया मैंने, और ये आ गया आपका आई।
अच्छा बी जो है, बी का कोई फॉर्मूला, तो आपको देखो कि याद करो एक चार्ज क्यों जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, चार्ज क्यों जा रहा है किसी वेलोसिटी वी से थीटा एंगल बनाते हुए, तो फोर्स क्या लगता था याद करो क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से बी निकालेंगे तो एफ अपॉन में क्यू वी साइन थीटा। चलो ये चीज यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड का भी नहीं पता आपको, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है तो भी आप यहां से निकालोगे, एफ का रखोगे, क्यू का रखोगे, वी का रखोगे, साइन थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता और ना कोई यूनिट होती है। तो यहां पर रखेंगे बी की जगह पे एफ अपॉन में क्यू वी, ठीक है, इनटू साइन थीटा। अच्छा ए लिख देंगे, ये आ गया कॉस थीटा अपॉन में आई, तो भाई फोर्स, अब यहां पर एल का डायमेंशन फॉर्मूला मतलब क्या आएगा, फोर्स का एरिया का क्यू का वी का आई का साइन और कॉस का तो कुछ होता ही नहीं है, छोड़ दो। तो ये आ गया एफ का होता है, आपको पता होना चाहिए एम एल टी माइनस टू होता है, ठीक है बच्चों, एरिया का एल स्क्वायर होता है, चार्ज किरण तो भाई करंट होता है क्यू बाई टी, तो यहां से क्यू मिलेगा आई इंटू टी, तो क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला होगा करंट का एम्पियर से दिखाते हैं और टाइम को टी से, तो यहां पर इसकी जगह ए टी लिख देना चाहिए आपको। वेलोसिटी का आपको पता है एल टी माइनस वन होता है, ठीक है, और करंट को तो सिंपली ए से दिखा देते हैं। क्या आप आगे इसको पूरा सिंपलीफाई कर सकते हो, सिंपलीफाई करने पे जो आएगा वही होगा डायमेंशन फॉर्मूला एल का, तो चलो मैं यही लिख देता हूँ एल का डायमेंशन फॉर्मूला। देखो भाई एम ये रहा बच्चों, एम और तो नहीं है कुछ, तो ये एम का पावर वन। एल की बात करूँ मैं, एक एल ये रहा, एक एल ये कैंसिल हो गया और बचा है क्या, यहाँ एल स्क्वायर दिख रहा है मुझे, खुद कैलकुलेशन करो और चेक करो। टी की बात करूँ मैं, टी यहाँ पर पावर वन है, यहाँ माइनस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचा माइनस का टू, तो बस वही बचेगा माइनस का टू, चेक करें भाई। देखो बच्चों, देखो यहाँ पर टी, देखो ये पावर वन है, ये माइनस वन कैंसिल, ठीक है, तो ये बचा हुआ है, तो यही आएगा ए, ए इंटू ए, ए स्क्वायर आएगा, ये ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो यहां पर आ जाएगा ए, ए रेस्ट पावर माइनस का टू। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस का, आप कैलकुलेशन खुद चेक कर लें, बुक में से मिला सकते हैं, कई बार मिला सकते हैं, तो इस तरह से आप डायमेंशन फॉर्मूला भी सेल्फ इंडक्टेंस का आराम से निकाल सकते हैं। मुझे बताइए कोई डाउट है तो, जरा सा भी कोई डाउट है तो मुझे बता दो आज, थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे, यही आ रहा है एम एल स्क्वायर टी रेस्ट वार माइनस टू ए रेस्ट वार माइनस टू, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड है, ठीक है, तो मैच हो रहा है मतलब, ठीक है, बाकी हम कैलकुलेशन तो चेक कर ही सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों, अब हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे, वन हेनरी को डिफाइन कर लिया, मैथमेटिकल डेफिनेशन होने वाला है, और ये इस तरह की डेफिनेशन भी कम से कम एक डेफिनेशन पूरे बुक में से, चाहे वो वन वोल्ट का डेफिनेशन हो, चाहे वो वन एम्पियर का हो, चाहे वन हेनरी का हो, इस तरह की चीजें भी होता है। एक बच्चे ने पूछा सेल्फ इंडक्टेंस जो है वेरिएबल नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस वेरिएबल नहीं है, ये कैसा क्वेश्चन है भी? सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल का तो फिक्स है, वो किन चीजों पर डिपेंड करता है वो हम सीखेंगे जब उसका फॉर्मूला एक सोलेनोइड के लिए ड्राइव करेंगे, तो देखेंगे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, अगर आपको चेंज करना है तो कैसे आप कौन सी चीज़ बढ़ाओगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ा सकते हो किसी कॉइल का, वो हम सीखेंगे, ठीक है, मुझे तो फार्मूला याद होता है, ठीक है, बट अभी हम सीखेंगे तब आपको लिखवाऊंगा, ओके। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं, एक कॉइल का फिक्स है क्योंकि उसकी सारी शेप फिक्स है, उसका कोर फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, लेंथ फिक्स है, समझे, सब कुछ फिक्स है, तो भाई उसका सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल का फिक्स होगा। हाँ, वेरिएबल सेल्फ इंडक्टेंस के भी कॉइल्स आते हैं मार्केट में, ठीक है, तो कभी सर्किट्स में जरूरत होती है, वो ऐसे घुमा करके सेल्फ इंडक्टेंस आप चेंज कर सकते हैं, वो नहीं देखा टीवी या रेडियो ऐसे घुमा कर वो करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, या तो उससे कैपेसिटेंस चेंज होता है या फिर सेल्फ इंडक्टेंस चेंज होता है, ये आपको कभी बताऊंगा बाद में, एसी जब पढ़ेंगे तब मैं बात करूंगा इसके ऊपर रेजोनेंस के टाइम पे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आपको बताते हैं, नाउ लेट अस डिफाइन, अगर किसी बच्चे को मैग्नेटिक फील्ड का निकालना हो डायमेंशन, तो यहां पर
सेल्फ इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नो। सेल्फ इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। आपको ड्राइव करूंगा तो मैं ये सारी बातें करने वाला था, बट अभी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, ये तो कॉन्स्टेंट है। अगर आपने यहां से देख लो, अगर आपने करंट बढ़ा दिया तो फाइव भी बढ़ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ा तो न्यूमिनेटर भी बढ़ेगा, रेशियो कॉन्स्टेंट रहेगा। समझ रहे हैं, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा आपने न्यूमिनेटर को बढ़ाया, करंट को बढ़ाया, उतना फ्लक्स बढ़ जाएगा, इनका रेशियो जो है सेल्फ इंडक्टेंस वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, सेल्फ इंडक्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता। किन चीजों पर डिपेंड करता है वो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और बात करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, कोर के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, ये सारी बातें हम करेंगे। चलिए अब हम जरा पहले सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके से। कई सारे डेफिनेशन इसके पॉसिबल हैं। ओके बच्चों, कई सारे डेफिनेशन इसके पॉसिबल हैं। ठीक, उससे पहले कि मैं डिफाइन करना स्टार्ट करूं, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बताना चाहता हूं, जो न्यूमेरिकल में भी यूज होता है और कहीं पर भी यूज होता है, और करेंगे भी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल। मैंने जो असाइनमेंट दे रखा है उसमें भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भाई इंड्यूस ईएमएफ की बात करूं मैं बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ इसके इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसमें आपने करंट चेंज कर दिया, ये करंट क्या किया आपने, चेंज कर दिया। तो किस रेट से चेंज किया आपने, डी आई बाय डी टी, इस रेट से आपने चेंज किया। इतना करंट चेंज किया इतने टाइम में बच्चों, इतना करंट चेंज किया आपने इतने टाइम में, तो इस रेट से करंट इसमें चेंज हो रहा है, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इन द कॉइल, तो प्यारे बच्चों ई जो होगा वो होता है आपको पता है माइनस डी फाइव बाय डी टी होगा। कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ उस पर डिपेंड करता है, नहीं आपको पता ही है। तो भाई यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, ई इजिक्वल टू माइनस, और फाइव की जगह क्या लिख सकते हैं आप, बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या ले सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, या फाई की जगह पे चलो मैं ये वाला यूज करता हूं एल आई। तो फाई की जगह पे मैं क्या यूज कर लेता हूं यहां पर एल आई, तो ये बढ़िया रहेगा। यहां पर एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। एल क्या कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो ई इजल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। भाई वो करंट वरेंट में तो चेंज नहीं करता, एक क्वाइल के लिए एक सर्किट के लिए ये सेल्फ इंडक्टेंस कॉन्स्टेंट है। ये सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल के लिए एक सर्किट के लिए क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो आपने ऐसी बात कर ली। ओके, क्या ये बात क्लियर है, ये समझ में आ गया। अगर आपको एल पता है, डी आई बाई डी टी पता है, तो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। इनके ऊपर एक नंबर में क्वेश्चन बार बार आ चुका है और कई बार दो नंबर में भी, तो वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, पहले जरा थियोरेटिकल पार्ट डेफिनेशन सेल्फ इंडक्टेंस का कंप्लीट करते हैं, टाइम मिला तो आज करवाएंगे, नहीं तो अगली क्लास में करवाएंगे। चले तो भाई ये सारे फॉर्मूले हमारा हो चुका है, छोटे छोटे मैथमेटिकल डेफिनेशन बचे हुए हैं, चलो उसको कंप्लीट करते हैं, कहीं बोर्ड में आ जाए तो शिकार कर देना। ओके चले, तो अब मैं कुछ को मिटा देता हूं, ये मैंने मिटा दिया, ये भी आपने सीख लिया, अब मैंने ये मिटा दिया। ओके तो भाई चलिए, अब मैं इसको मिटाता हूं, मिटाता हूं। भाई प्यारे बच्चों, कहीं पर भी डिफिकल्टी हो प्लीज बताएंगे। तो भाई यहां पर हमने देखा था फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मैग्नेटिक फ्लक्स, और फाई इक्वल टू एल आई, और एल हमने देख लिया था फाई बाय आई, ये सारा हम सीख चुके हैं। चलिए डेफिनेशन ऑफ एल, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा, इससे आसान कुछ भी नहीं होगा। तो मान लो कि अगर कभी आपने किसी क्वाइल में करंट 1 एम्पियर फ्लो कर दिया, किसी क्वाइल में आपने करंट कितना फ्लो कर दिया, 1 एम्पियर फ्लो कर दिया बच्चे, तो चलो यहां पर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर देंगे, तो होगा क्या यहां पर, देन एल इज इक्वल टू फाइव के बराबर होगा।
सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होगा, फाई के बराबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा मैथमेटिकली मुझे ये बता दो, छोटी सी बात। अगर इस कॉइल से करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा हूँ तो क्या सेल्फ इंडक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। सिर्फ इसको देख के ये बताना है, क्या इसमें भी कोई डाउट है? क्लियर है ये बात? आगे चलूँ मैं, फिर इसको देख यही चीज़ मैं लिखूंगा और वही स्टेटमेंट होगा सेल्फ इंडक्टेंस का, समझ रहे हो बच्चों? वही स्टेटमेंट होगा। तो क्या स्टेटमेंट होगा? सो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, ठीक है क्या? सो द सेल्फ इंडक्टेंस, इसको देख के बोल रहा हूं, सो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इफ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। समझ रहे हो आप कितना मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसका? यहां तक किसी को दिक्कत? प्यारे बच्चों बताओ, जरा से भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखा आपने, देखा क्या? अगर किसी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो करूंगा, यहां 1 रख दिया तो एल किसके बराबर आ गया? फाई के। और जैसे ही मैं डेफिनेशन यहां बता रहा हूं, म्यूचुअल इंडक्शन में भी यही काम करने वाले हैं, समझ रहे आप लोग? तो अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर आ गया। बिल्कुल क्लियर?